नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद राहुल सिंह लगातार क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं। वह जहां एक ओर सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी लेते हैं और देते हैं, संवाद करते हैं वह ग्रामीणों से और संवाद करते हैं फिर उसके बाद अधिकारियों से, तो वहीं दूसरी ओर वह निर्माण कार्यों की भी समीक्षा कर रहे हैं। हटा में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय की जानकारी लेने के लिए राहुल सिंह पहुंचे। उन्होंने जानकर एक एक विषय की जानकारी ली और फिर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विदित हो कि केंद्रीय विद्यालय का जो भवन है वह पिछले लंबे समय से निर्माणाधीन है, कार्य की गति धीमी है और छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है, और इसी विषय की चिंता करते हुए दमोह के सांसद राहुल सिंह ने निर्माणाधीन भवन का अवलोकन किया, आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए, ठेकेदार को भी दिए और कहा कि ये समय सीमा में कार्य पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि छात्र छात्राओं को जो परेशानी हो रही है वह परेशानी निश्चित रूप से हम सबको चिंतित करती है और इस प्रकार की परेशानी छात्र छात्राओं को नहीं होना चाहिए। उनको विद्या अर्जित करने में, शिक्षा अर्जित करने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। साल प्रोजेक्ट लेट है और क्योंकि ठंड आ गई है तो दिक्कत हो रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मॉडल स्कूल में, एक्सलेंस स्कूल में, तो हमारा प्रयास ये है कि 5 दिसंबर तक ये बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी 15 दिसंबर तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं और 1 तारीख का इनके जो रीजनल जोनल अधिकारी हैं वो, और केंद्रीय विद्यालय के जो RO है वो, और कलेक्टर, ये तीनों बैठेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या और दिक्कतें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि 15 दिसंबर तक हम लोग यहाँ बच्चों को शिफ्ट कराने में सफल हैं। विभिन्न योजनाएं हैं और उसमें से केंद्रीय विद्यालय भी एक केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा सरकार देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज कार्य प्रगति को लेकर एक जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली है और तय समय पे ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाया उसकी भी समीक्षा ली है, क्या कारण है। तो कुछ चीज़ें अभी आई हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो क्रमवार सूची बनाएं और इस महीने की 15 तारीख तक, दिसंबर तक हम प्रयास करेंगे कि बच्चों को यहाँ पर शिफ्ट करें। तो प्रारंभिक रूप से समस्या आई है, कलेक्टर महोदय भी साथ में है, SDM भी है, तो शाम तक सूची आएगी, उस पर फिर प्रतिदिन के हिसाब से उन समस्याओं का निराकरण करने का काम और उन काम को गति समय अवधि के भीतर काम करने के लिए तय हम लोगों ने निर्देश दिए। मित्रों, ये थे दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी, जिन्होंने जानकारी दी है किस प्रकार उन्होंने कार्य का अवलोकन किया है और क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं। वह लगातार अभी वर्तमान में समय जो है उसमें वह सदुपयोग करते हुए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और संवाद कर रहे हैं नागरिकों से, मतदाताओं से, ग्रामीणों से, और अधिकारियों को भी देते हैं निर्देश, साथ में करते हैं सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में संवाद। We'll be right back.